कल शपथ ग्रहण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां उन्होंने मां गंगे की आराधना की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम बनने पर उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगा आरती की, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं हर की पैड़ी की, जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद धामी पहुंचे थे, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और मां गंगा की शरण में जब पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है, एक मिथक टूटा है, दो तिहाई बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया था आज, चूंकि भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा लक्ष्य है विकल्प रहित संकल्प, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र, इसको लेकर हम चले हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंतिम छोर में, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, रहने वाले हर जनगण मन तक अपना शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम काम करेंगे। 6 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और 1-2 दिन में केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर धाम तक आवाजाही सुचारू हो जाएगी। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए DDMA ने 160 मजदूरों को लगा दिया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यातायात को सुचारू किया जा सके इसके लिए कोशिश हो रही है। 6 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है जिसके लिए अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 160 मजदूर लगाए गए हैं जो कि बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, रास्ते को खोलने का काम कर रहे हैं। ग्लेशियर है, आज 4 दिन हो गए इस ग्लेशियर पे और अभी तक पूरा नहीं हुआ है।